शहीद आलम भगत सिंह जी का आज देवगा जी का रोल देखा आपने, राजकुमार संतोषी जी की पिक्चर देखी, इनके ताया जी से मैंने पूछा मैं किनको बुला के सम्मानित करूं, दो पिक्चरें आ रही छन्नी जोर की होगी। सरदार कुलतार सिंह जी ने कहा बेटा जो अजय देवगन की राजकुमार संतोषी की पिक्चर उनका फंक्शन करो, बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज दिल्ली में किया और अजय देवगन का रोल जो था वो आज भी कहीं मैं देखता हूँ उसके चरण छूता हूँ मुझे भगत सिंह जी नजर आते हैं, वाकई में उसका सोच हर चीज उसने भगत सिंह जी की तरह जिनको हम कहते हैं ये ड्रामे करते हो ड्रामे नहीं करते, वो जो जिंदगी की हकीकत होती है समाज के अंदर बुराइयां होती हैं अच्छाइयां होती हैं वो आपके सामने पेश करते हैं, ड्रामेबाज तो भैया हम हैं जो कैंडल लाइट जगाते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं कैंडल लाइट सब जगाने वाले को ऐसा कह रहा हूं, अगर लिफा वाले अगर पन्नू की कैंडल लाइट जगाते हैं तो ये सच्ची श्रद्धांजलि है, अगर टिकट गोलियां के लिए अपने वर्कर को लगाते हैं ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और जहां देख लेना जब पॉलिटिशियन कैंडल लाइट जगाए समझ लेना कि ड्रामा ही है, ये फोटो पॉलिटिक्स ही अपने आप ही समझ जाए। पार्लियामेंट के अंदर शहीद आलम भगत सिंह जी ने बम फेंका, क्या बम इसलिए फेंका किसी को मारने के लिए? हिंदुस्तान की अंग्रेजों को भारत माता को जंजीरों को छोड़ के जाने के लिए बम फेंका, आने वाली युवा पीढ़ी को भारत को आजाद कराने के लिए एक नई चेतना पैदा करने के लिए जगाने के लिए बम फेंका था। जब 14 नंबर कोठरी में शहीद आलम भगत सिंह जी को उनके दोस्त मिलने आते हैं कहते भगत सिंह जी तेरी शादी कब होगी, कहने लगे अगर भारत माता की गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी, शहीद हो चुके मेरे दोस्त मेरे बराती होंगे वो थे भगत सिंह। अभी अभी संधु जी ने जात पात की बात की भगत सिंह जी के ऊपर जिक्र किया, सफाई कर्मचारी जेल का सफाई करता था, जब भगत सिंह जी का अंतर समय आया तो उसको बेबे कहने लगे माँ के समान, उसने कहा मुझे ऐसा क्यों कहते हो, उन्होंने कहा हमारी माँ जब बचपन में थे हमारी सेवा करती थी ना तो तू भी तो हमारी माँ हमारे बेबे की तरह है, कौन सा धर्म कौन सा मतलब कौन सी जात हम किन जात का में बस गए। कई बार टेलीविजन के अंदर बहस होती है को धर्म की बात करता, मैं कहा पूछ मेरा धर्म पूछ क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं अपना धर्म क्या है, मेरा धर्म भारत मां और मेरी जात वंदे मातरम, भारत मां में मैं पैदा हुआ और कभी दोबारा बम्बो गोलियों से भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए जाऊं तो भगवान को यही कहता हूं प्रार्थना करता हूं बस इतना एक सेकंड का वक्त देना इतना कह दूं भारत माता की जय वंदे मातरम मैं चले जाऊं, ये मेरा जन्म भारत मां ये मेरी मात वंदे मातरम, कौन सी जात कौन सा धर्म कौन सा मजहब, मैं हिंदू मैं मुसलमान मैं सिख मैं ईसाई, बिस्मिल्ला खान जब फांसी के फंदे को चूमने लगे तो जेलरों ने कहा तेरी आखिरी ख्वाहिश, वो कहने लगे हमारे धर्म के अंदर पूर्ण जीवन की तो कोई बात है नहीं, अगर कोई प्रोविजन हो तो मैं तो यही कहूंगा बार बार भारत माता को आजाद कराने के लिए मैं फांसी के रास्ते पे चढ़ूं बार बार जन्म लूं, ये उनके उनके मकसद थे ये उनकी सोच ही वो थे आजादी के दीवाने। बताओ आप कोई है फौज के जवानों के अलावा सरहदों की सुरक्षा के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा वो नेता तो यार बता दो हिंदुस्तान के अंदर इतने नेता कोई खड़ा होके कह दो यार फलाना है मैं उसका जवाब दे दूं आपको, मुझे कई बार टिकटें दी गई। अभी दो साल पहले डेढ़ साल पहले सोनिया गांधी जी ने कहा पंजाब की जिम्मेदारी संभाल लो, इशारा तो ये था या प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे फिर हम दूसरों को गाली गलौज करेंगे बढ़िया से बढ़िया अखबारों में छपेगा
दिल्ली में खड़े दिखाएंगे, देखो जी हमने आज बादल साहब को गाली दी है, आज हमने फलाने को दी, उन्हें हमने हमको दी है। वो कहेंगे वाह भाई वाह बेटा बड़ा अच्छा बोलते, बड़ी अच्छी गाली गलौज करते, तो ठीक है सीएम के कैंडिडेट तुम हो सकते। बेटे ना, जब इतनी बार हमने मौत देख ली, अपने जवान आगे शरीर के होते हुए देख ली, तो फिर क्या मेरी जिंदगी का सफर 200 साल है क्या? मैं सुबह उठ के यही सोचता हूं कि तू आया किसी, मैं तो बोनस की जिंदगी में हूं, मैं तो मर चुका हूं। यहां इतने जवान शहीद हो जाए, मेरे कारण 70 बेगुनाह लोग मारे जाए, उसके बाद भी मैं सोचूं मैं सीएम बनूं, मैं पीएम बनूं? नहीं। क्या आप में से किसी को पता है कि आपकी उम्र कितनी है? नहीं। और बड़े बड़े राजनीतिक लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पावरफुल लोग भगवान को भी मानते हैं, भारत मां की भी बात करते हैं, पर मौत याद नहीं हो तो कहें हम तो 200 साल जिंदा रहेंगे। भगत सिंह की तरह अगर जिसकी सोच हो आज भी तो कल जाना है, हमारा मकसद भारत माता की आजादी की रक्षा करना है, तो भारत मां की तरफ को पाकिस्तान देख रहे, फिर दिखा दी फिसरत तुमने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस मां ने तुमको जन्म दिया उस मां का दामन नोच लिया, वो पाकिस्तान। एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। मैं भावुक ना होगा, मैं चाहे अभय जी के पास कम जाता हूँ, परिवार को कम मिलता हूँ, पर हमेशा उनका आशीर्वाद हमें रहता है। वो क्या सोचते होंगे, उनके मन में क्या होगा, ये उन्हीं के अंदर है, या मैं उन गहराइयों को अच्छी तरह जानता हूँ। आज उनका बेटा हमारे पास आज होता, हम जो अकेले लगे हुए हैं पूरे देश के अंदर, अनू जी कहां मैं कहां सब, क्या जो नौजवान के काफले के साथ मैं भी चलता, हो सकता है 2-3 साल के अंदर हिंदुस्तान के युवाओं के अंदर एक नई एक ऐसी जागृति एक ऐसी चेतना पैदा कर देते कि हिंदुस्तान की गिर रही राजनीति के नकाबों को इतना खोल देते, जैसे 370 धारा का बताया, तो शायद शहीद आजम भगत सिंह जी की सोच को उनकी आत्मा को बहुत बड़ी शांति मिलती, आज मैं महसूस कर रहा हूं। और कमी रही, मैं उस बेटे को मिल नहीं पाया, और जिस तरीके से सुना जब मैं उसे घर में गया, बाद में पन्नू जी ने सबने बताया, बहुत बड़ी मेरे से भूल और बहुत बड़ी मेरे से गलती हुई, हवा निकल गया, वो हाथ नहीं आ सकता, अब अकेले हम कितना भाग सकते हैं, कितना दूर सकते हैं, अब ये कितना दौड़ सकते हैं, मिसेज सतू कितना जा सकते हैं, हिम्मत भी होती है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है। तो हम सबको चाहिए आदम भगत सिंह जी की सोच है उसके ऊपर चलना। देखा है मैंने बड़े तरह के आतंकवाद देखे हैं, बम्बो गोलियों का आतंकवाद भी देखा है, बम्बो गोलियों का आतंकवाद बड़ा मजा आता है लड़ने में, कोई कोई बम से मैं जाऊंगा तो मुझे कोई शहीद ही कहेगा ना। मैं एक चैनल था मूवर एंड शेखर, वहां इंटरव्यू थी आज से 14 साल पहले, शेखर सुमन ने एक सवाल पूछा, कहने लगा आपने खतर नहीं पहना, मैंने ऐसे स्कार्फ पहना था, मिलिट्री कलर की शर्ट पहनी थी, पैंट पहनी थी, आप तो देशभक्त है। मैं कैसे कह सकता हूं मैं देशभक्त है, आजकल तो बड़े बड़े नेता कहते मेरे से बड़ा देशभक्त कोई नहीं, अरे तेरी ऐसी की तैसी, आज तो देशभक्त हो ही नहीं सकता, बड़े बड़े अखबारों में देखता, अरे मेरे से बड़ा देशभक्त कोई नहीं, देशभक्त तो भगत सिंह थे, हम कौन से देशभक्त हैं, हम उनकी मिट्टी के बराबर भी नहीं। मैंने कहा मैं देशभक्त तो नहीं हूं, आप कहते हो तो आप जानो, आपने खतर नहीं पहना। अब सवाल बड़ा अजीब था और जवाब
अभी एक मिनट में देना था, तेज पड़ा था वो जेकर सुमन। मैं कहा ये जो खतर था, यह शहीदी आलम भगत सिंह, राम गुरु सुखदेव, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लाला लाजपत राय के खतर की कुर्बानी और शहादत, उनके खून से लाल खून से चिट्टा खतर बना गया था। जब वो लोग खतर पहन करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा उठा के आजादी के आंदोलन की लड़ाई में जाते थे, देश को आजादी मिलती थी, वो था मैं का खतर।